नमस्कार, मैं दीति फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे मिनी स्ट्रोक के बारे में। आजकल के लाइफस्टाइल और खान पीन में गड़बड़ी के कारण मिनी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मिनी स्ट्रोक कई बार जानलेवा स्ट्रोक की चेतावनी के रूप में भी आता है, जिसका समय रहते इलाज कराना बेहद जरूरी है। स्ट्रोक बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार खान पीन की गलत आदत और खराब लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नसों में ब्लॉकेज होने लगता है और स्ट्रोक का खतरा पैदा हो जाता है। रक्त वेसल्स के जरिए ब्रेन बढ़ने वाला ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। इसी स्थिति को मिनी स्ट्रोक कहते हैं। स्थिति में कुछ देर के लिए शरीर प्रभावित हो जाता है। हालांकि कई बार ये स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आप ये लक्षण कुछ देरों से महसूस कर रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि मिनी स्ट्रोक में थोड़ी देर अगर ये लक्षण आते हैं तो फिर ठीक भी हो जाते हैं। इसी को मिनी स्ट्रोक कहते हैं। हालांकि मिनी स्ट्रोक को आने वाले बड़े स्ट्रोक की चेतावनी माना जाता है, इसलिए सही समय पर इसका इलाज करवाना बेहद जरूरी है। चलिए बात करते हैं मिनी स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले मिनी स्ट्रोक आने पर पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऐसे में पीड़ित इंसान चलने में एकदम लड़खड़ाने लगता है और वो खुद चलने में असमर्थ होता है। चेहरे में टेढ़ापन आना, जब दिमाग के एक हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है तो स्ट्रोक की समस्या बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में चेहरे में टेढ़ापन भी आ जाता है। कई बार चेहरे को हिलाने में भी दिक्कत होती है। हाथ और पैरों में झंझनाहट होना से पीड़ित व्यक्ति को हाथ पैर में झंझनाहट होती है। इसके साथ ही उसे पकड़ने में भी कमजोरी होती है और चक्कर आने लगते हैं। शरीर में कमजोरी और संतुलन बनाने के लिए दिक्कत हो जाती है। बोलने में भी परेशानी आने लगती है। इसकी वजह से बोलने में भी दिक्कत होती है। मिनी स्ट्रोक यानी लकवा ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये कंडीशन थोड़ी देर के लिए होती है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत, चेहरे पर टेढ़ापन, हाथ पैर में कमजोरी या झंझनाहट महसूस होना, बोलने और समझने में दिक्कत होती है। कई बार थोड़ी देर के लिए बेहोश जैसे लक्षण भी आते लगते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो घर पर इन चीजों का इलाज ना कीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर इसके लिए सलाह लीजिए। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।